أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحت عافیت سے رکھے اور اس کی رحمت کے سائے میں رکھے اور اپنا دیدار نصیب فرمائے آمین. چلیے اب سب میں پہلے تسلیمہ آئے تھے نا, آپ پڑھیے تسلیمہ, پانچ آئے تھے پڑھیے. جی میم, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ أَنْ أَنذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. इला को थोड़ा और खींचना ना, कौन सा मत है वो, इला मध्य मध्य मुंतकिल है मैम, और इला अजलिम मुसम्मा उन्ना भी करना, मीम पे तस्दीद है ना. जी मैम, इला अजलिम मुसम्मा. जी, इन अजल अल्लाह इदा जा ला युअख्खर لو كنتم تعلمون. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا. جی ماشاء اللہ بارک اللہ فی, اچھا پڑھے آپ نے الحمد للہ. یہ مخارج کو بھی یاد رکھیے, और हमजा साकिना के पढ़ने में क्या होता है, झटका होता है मैम. अय्यातियहुम अज़ाबुन अलीम, ठीक है. अच्छा पढ़े, अल्लाह आपकी वो इल्म में और इजाफा फरमाए. अब नेक्स्ट सफिया मोहम्मद. है हमारे साथ सफिया जी? अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकात. जी आप पढ़िए सफिया, ये लास्ट लाइन से पढ़िए, आयत नंबर 6 फलम वहां से. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. रजीम बोले आप, फिर से बोले, फिर से बोलो. ताउज़ फिर से पढ़िए आप, ताउज़. औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. देखिए रजीम सुने आ रहा, आप शायद रजीम बोल रहे हैं, तो वाजे करके बोलिए रजीम. रजीम निर्रहीम, इस तरह, ठीक है. ठीक है माशाल्लाह, चलिए पढ़िए. फलम यजिदहुम दुआ इल्ला फिरारा وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَسَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا
فاستقبروش تقبارا मिनट एक मिनट, देखो माँ अपन को क्या पढ़ाया गया, पहला कायदा क्या था, हरकात को कैसा पढ़ना था, हरकात को जल्दी पढ़े, जरा भी ना खींचे। हरकात क्या क्या है? जबर जेर पेश। हाँ, तो इसलिए अपन ना हर आयत में सदर लम्बा नहीं करना है, वाइन्नी कुल्लमा दाउतुहुम इस तरह तरह, आप थोड़ा हरकात को खींचे जैसा महसूस हो रहा था। नहीं तो आप शुरू से पढ़ते क्या, अभी पढ़े ना बहन हमारी, आप भी शुरू से पढ़ते, ठीक है एक बार सुने ना आप, फिर से पढ़िए, इंशाल्लाह आपको आसानी होती। इन्ना अरसलना नूहन इला कौमिही अन अन्ज़िर कौमका मिन क़ब्ल, खौमका बगैर खींचे पढ़िए, मिन कबली अयातियाहुम अज़ाबुन अलीम, खाला या कौमी इन्नी लकुम नज़ीरुम मुबीन, इन अन्ने अन्ने अन अबुदुल्लाह वत्तकूहु, नहीं खींचना ना उसको, वातिउन यग्फिर लकुम मिम जुनूबीकुम वयो मैं जुनूब, इख्फा मालूम आपको, इख्फा कब करते हैं अपन, इख्फा किससे कहते हैं? वो क्लासेस नहीं ज्वाइन करी मैम। अच्छा, अल्लाह आपकी मदद करे। ठीक है ठीक है, आप एक बार ना टेस्ट देने से पहले ना वो तख्तियां एक बार जरूर पढ़ ले, ठीक है? ये कौन सा मैम? वो मैं आप उर्दू आती आपको उर्दू पढ़ने? हाँ हाँ, नूरानी खायदा तो होगा ना आपके घर में? हाय हाय, नूरानी खायदा। हाँ, तो ऊपर जो तख्तियां आते हैं ना, तख्ती नंबर 1, 2, 3, अच्छा, बल्कि वो पढ़ना कंपलसरी है, आपको टेस्ट है अब इंशाल्लाह जुमा के दिन, तो आप वो तख्तियां जरूर पढ़े। हाँ जी हाँ, तो आपको मदद मिलेगी इंशाल्लाह। ठीक है, कोशिश करिए। यग़फिर लकुम, اغفر لكم من ذنوبكم, اخفاء ہے یہ, نون ساکن کے بعد دال آئے تو نون کو ناک میں چھپاتے آواز کو, من ذنوبكم ذنوبكم ويؤخركم يؤخركم 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 الى اجل مسمى یؤخر ہے ماں وہ, اگر رک رہے تو یؤخر بولا, ملا کے پڑھ رہے تو یؤخر من يؤخروا لو كنتم تعلمون جی ٹھیک ہے انشاءاللہ, آپ دوسروں کا سنیے, آپ کو تھوڑا اور سمجھ میں بھی آتا, ٹھیک ہے جی جی انشاءاللہ. سعدیہ آپ پڑھو, سعدیہ یہاں سے آیت نمبر 5. سعدیہ ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پانچویں آیت پڑھنا ہے, پانچ سے پڑھی, خال ربی. جی 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 ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. میم ایک منٹ میں. ہاں ہاں ایک منٹ, اللہ آپ کی مدد کرے. میم پچھلے کلاس میں سورہ نوح ہو چکا, ہو گیا تھا نا میم؟ ہاں جب دونوں پڑھے تھے نا ماں, آپ اور سعدیہ. جی جی میم.
तो हम फिर से यही पढ़ेंगे और वो इस्तग़फ़ार की थोड़ी अहमियत बताती हूँ मलिथीने में तर्जुमा करके इसके बाद, इसलिए फिर से यही रखे, ठीक है? जी ठीक है मैम। यही सूरे में है वो नूह अलैहिस्सलाम जो अपनी कौम को बताते हैं कि इस्तग़फ़ार के क्या क्या फायदे हैं। मैम शुरू कर रही हूँ। हाँ सर। بسم الله الرحمن الرحيم فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. ठीक है सादिया, आगे दूसरों को मौका देंगे, आप पढ़े भी ना इंशाल्लाह। जी अब कौन पढ़ रहे? अज़हा तस्नुआ के मम्मी पढ़ रही। अज़हा तस्नुआ के मम्मी का नाम भी तस्नीम है शायद। हम पढ़ना के मैम। अस्सलामुअलैकुम। अच्छा ठीक है मरियम पढ़िए। कहाँ से पढ़ना है मैम? फर्स्ट सेकंड लेवल से पढ़िए। लेवल लेवल लेवेंथ आए जी। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويمددكم بأموال من لبن يرسل السماء. اچھا وہاں سے اچھا سوری أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تر كيف خلق الله سبع سماوات مريم ألم تراني ألم تروا جي بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله رك جانا ما نہیں پڑھو ہو گئے آخر جی والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا جی بارك الله فيك اللہ آپ کو صحت و عافیت دے اور کون ہے جی میں پڑھوں کیا میم ہاں بیٹے پانچ آیتیں پڑھیے آپ شروع سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ
الرحمن الرحيم إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن عجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا جی اللہ حافظ ماشاء اللہ اور کوئی باقی ہے ماں السلام علیکم میم جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کون بات بول رہے ہیں نام بتائیے صفیہ محمد آپ پڑھے شاید نا نہیں پڑھے میم میں ابھی کلاس میں کلاس جوائن کری ہوں اچھا 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 ٹھیک ہے صفیہ آیت نمبر 6 سے پڑھتے ہیں آپ کو اسکرین نظر آ رہا ہاں نظر آ رہا من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن بسم اللہ الرحمن الرحیم فلم یزدہم دعائی الا فرارا وإني كلما دعوتم لتغفر لهم جعلوا في آذانهم واستغشوا دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم واستكبروا استكبارا پتہ ہے نہیں استكبارا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم زهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنهم كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وَخَدْ خَلَقْكُمْ أَطْوَارًا خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا فَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا
वल्लाहु जाला लकुम अरजा बिसाता लितस्लुकुम लितस्लुकुम मिन्हा मिन्हा सुबुला सुबुलन फिजा फिजा जा जी बारकल्लाहु फीक अल्लाह आपके इल्म में इजाफा फरमाए और पढ़ना मैम नहीं नहीं बस बस और कोई बाकी है सफिया पढ़ ली है शायद जब से जी मैम अजहद अस्नुआ की अम्मी नहीं पढ़ रही सुमैया मोहम्मद पढ़ लिया आप जी मैम हाँ तो चलिए फिर मैं चंद बातें नूह अलैहिस्सलाम के बारे में आपको बताकर आज की क्लास का इख्तिताम करती हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह नूह अलैहिस्सलाम हमारे रसूल और नबी गुजरे हैं और नबी और रसूल में फर्क भी आप लोग जानते हैं। मैं फिर भी एक बार दोहराना चाहती हूँ कि हर रसूल नबी होता है मगर हर नबी रसूल नहीं होता। यानी जिस नबी को नई शरीयत और नई आसमानी किताब दी जाए उसको रसूल कहते हैं। ठीक है, जिस नबी को आसमानी किताब दी जाती है उनको रसूल कहा जाता है और जो नबी होता है वो उसी पहले की किताबों के जरिए अपनी कौम को डराते हैं। जैसे सालेह अलैहिस्सलाम है, हूद और समूद की कौम जो गुजरी है वो तमाम नबियां हैं। रसूल चंद है और नबी बहुत से हैं। तो नूह अलैहिस्सलाम की खासियत ये है कि वो सब में पहले रसूल आए हैं। हजरत नूह अलैहिस्सलाम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के एक जलील खद्र पैगंबरों में से है और यही पहले रसूल है और इन्हीं की कौम से ये शिर्क का आगाज हुआ। जो शिर्क आज दुनिया में फैला हुआ है ये शिर्क का आगाज कहाँ से हुआ? ये नूह अलैहिस्सलाम की कौम से ही शुरू हुआ। तो इन्हीं की हिदायत के लिए अल्लाह ताला ने नूह अलैहिस्सलाम को मबूस फरमाया। ठीक है, इस क्या था इनके जमाने में? इनके जमाने में लोग पहले के लोगों की मूर्तियां बनाकर पूजा करना शुरू कर दिए थे कि उनके जैसे हम नेक बनेंगे वगैरह वगैरह। हालत शैतान ने उनको बहका दिया था। तो इन नूह अलैहिस्सलाम की खासियत ये भी है कि इन्होंने अपनी कौम को, जैसा कि आप बता रहे हैं, रब्बी इन्नी दअउतु कौमी लैलन व नहारा, मैंने अपने कौम को दिन और रात दावत दी अल्लाह की तरफ, दिन और रात पुकारता रहा, जिसकी मुद्दत हदीसों में आता है 950 साल सिर्फ उन्होंने तबलीग की। आज हम 9.5 घंटे नहीं बैठ सकते तबलीग के लिए। उन्होंने अपनी जिंदगी, क्योंकि पहले के लोगों की उम्रें बहुत ज्यादा हुआ करती थी, इसीलिए उनकी कौम को उन्होंने 950 साल तक दावत और तबलीग का काम किया। दिन और रात अकेले अकेले समझाते थे या मजलिस में जाकर समझाते थे, मगर उनकी कौम का क्या था रवैया? फलम यज़िदहुम दुआई इल्ला फिरारा, बस वो मेरे बुलाने का क्या रेस्पॉन्स देते थे? भागना। मैं जैसे ही उनको नजर आता था वो भागते थे मुझसे, मुझे बातें बनाते थे। तो आखिरकार ये 950 साल तक अपनी तबलीग करते 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 जब कोई भी इंसान है थक जाता ना, तो बस उन्होंने जब दुआ की कि अल्लाह अब मुझे नहीं लगता कि ये लोग बदलेंगे, तो आप इन पर अब अजाब भेज दीजिए, बल्कि जब दुआ करते तो अल्लाह ताला उनको उस दुआ को कबूल कर लेते और उनको और उनके साथ जो जो भी ईमान लाए थे उन तमाम को कश्ती में बिठाकर बचा लेते हैं और बाद में उनकी कौम को तूफान के जरिए, पानी के तूफान के जरिए से
हर तरफ से पानी महसूस करिए। परसों हमारे घरों में, हमारे शहरों में जब पानी पानी आया तो हम कितने परेशान हो गए थे, मगर वहां पर आसमान से भी बारिश, जमीन से भी बारिश, हर तरफ से बारिश होकर उनकी पूरी की पूरी कौम उनके दुआ के बदले खत्म हो गई। ये अल्लाह का कानून है, ये अल्लाह की सुन्नत है कि अल्लाह हर एक को मौका देते हैं कि बदलने का। जब वो अपने इस मौके को गनीमत मानकर कौम बदल नहीं बदलती तो फिर अल्लाह का तरीका ये है कि वो कौम को मिटाकर दूसरी कौम को पैदा करता है, जिस तरह उन्होंने अल्लाह ताला ने अब तक किया है। तो उन्हीं में ये चंद आयतें बहुत ही मशहूर है इस्तग़फ़ार की। इस्तग़फ़ार के माने क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह पर हम जानते हैं अपने गुनाहों का एतराफ करते हुए अल्लाह से उनकी माफी तलब करना। याद रखिए इस्तग़फ़ार के असल माने क्या है, अपने गुनाहों का एतराफ करते हुए अल्लाह से माफी मांगना। इसको दूसरे मानों में तौबा करना भी कह सकते हैं। तो यहाँ से आयत नंबर 10 से देखिए आप नूह अलैहिस्सलाम क्या फरमा रहे हैं, फकुल्तुस्तग़फिरु रब्बकुम इन्नहू काना गफ्फारा। क्या कह रहे हैं अल्लाह ताला मूसा नूह अलैहिस्सलाम, मैंने कहा कि अपने रब से अपने गुनाहों को बख्शवा लो, क्योंकि उन लोगों की कौम बहुत धर्म थी ना, उनकी बात को नहीं मान रही थी, तो उन पे क्या हुआ, अल्लाह का अजाब आया। तो अपनी कौम को उससे पहले उन्होंने इस तरह डराया कि तुम आखिर कब तक ऐसी नाफरमानी में मुब्तिला रहोगे, तुम अपने गुनाहों की माफी तलब करो तो तुम्हारे को मुख्तलिफ जो परेशानियां लाहक हैं, जैसा कि कहत साली देख लीजिए उनकी कौम में आई थी, उनकी माल औलाद में बरकत नहीं थी, कुछ भी उनके लिए आसाइश नहीं थी। तो ये उन्होंने कहा कि इस्तग़फ़ार करो, जो तुम गलतियां कर चुके हो उससे अपनी अल्लाह से माफी मांगो। इन्नहु काना गफ्फारा, बेशक वो तहकीकन यकीनन वो माफ करने वाला है, बहुत माफ करने वाला है। गफूर भी पढ़े हैं हम, अल्लाह का एक नाम गफूर भी है, मगर यहाँ पे मुबालगे का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, गफ्फारा, गफूर से ही गफ्फारा है, यानी बहुत ज्यादा माफ करने वाला हमारा रब, बहुत ज्यादा माफ करने वाला है। इसीलिए उसे अपने जितने भी गुनाह है, चाहे वो हमें दुनिया वालों को मालूम है या अपने आप को मालूम है, वो तमाम गुनाहों से बगैर शर्माए, बगैर झिझके अल्लाह से माफी मांगो। तो उसके चार इनामात बताए गए हैं आगे आयतों में क्या है। एक, अगर हम इस्तग़फ़ार को लाजिम पकड़ लेंगे तो चार हमारे लिए इनामात अल्लाह ताला अता करेगा। पहला इनाम, युरसिलिस्समा अलैकुम मिदरारा। क्या बोल रही, तुम माफी मांगोगे तो वो यकीनन तुम्हारे लिए तुम पर आसमान को खूब बरसाता हुआ छोड़ेगा, यानी आसमान से तुम्हारे लिए नेमतें बरसाएगा, यानी तुम्हारी खहत साली, जो आसमान से बारिश ना होने की वजह से जमीन सूखी पड़ जाती है, खहत आ जाता है, फाखों की नौबत आ जाती है, वैसे नौबत में अगर तुम अल्लाह से माफी मांगोगे तो अल्लाह तुमको आसमान से पानी बरसाएगा, और ऐसा नुकसानदार पानी नहीं, अजाब का पानी नहीं, फायदा मंद बारिश बरसाएगा, मौसलाधार बारिश बरसाएगा। समझ रहे बहनों, ये है युरसिलिस्समालैकुम मिदरारा, तुम पर आसमान से मौसलाधार नफा बख्श पानी बरसाएगा। उसके बाद एक इनाम तो ये हो गया, दूसरा वयुमदिदकुम बिअम्वालिन वबनीन, और तुम्हें खूब पै दर पै माल और औलाद में तरक्की देगा। देख रहे, या दो इनामात का जिक्र है, क्या दो इनामात है, वो तुम्हें माल नहीं बोल रहे हैं, अम्वाल बोल रहे हैं, माल की जमा अम्वाल है, भी अम्वालियों में बनी, तुम इस्तग़फ़ार करोगे तो तुम्हारी मदद करेगा, युम्दिदकुम, वो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा, किस किन चीजों के जरिए से, मालों में बरकत के जरिए से और बेटों के जरिए से, नरीना औलाद के जरिए से,
किसी को ख्वाहिश है, लड़कियां हैं लड़के की ख्वाहिश है, उसको चाहिए वो इस्तग़फ़ार करे। कोई तावीज़ गंडा नहीं है बेटा होने के लिए, कोई सूरह मरियम पढ़े तो बेटा होता या वो करे तो बेटा होता, ऐसा नहीं। क्या बोल रहे हैं अल्लाह ताला, क्या बोल रहे हैं, तुम इस्तग़फ़ार करो, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा बेटों के जरिए से। एक चीज के फायदे चार बता रहे, एक चीज तुम करोगे तुम्हें चार चीजें अता करेगा, मगर हमारा वो इस्तग़फ़ार कैसा होना चाहिए लाजिम पकड़ना है। एक मरतबा इस्तग़फ़ार पढ़ना नहीं, हमें उठते बैठते चलते फिरते जब भी हम बात ना कर रहे हो हमारी जबान पर इस्तग़फ़ार होना चाहिए। तो ऐसे इस्तग़फ़ार से ये इनामात मिलेंगे। खाली अस्तग़फ़िरुल्लाह बल्कि दिन में एक बार तो बोल दिए तो हो जाता, समझ रहे हैं? अरे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद दिन में 100 मरतबा इस्तग़फ़ार करते थे, जिनके अगले पिछले गुनाह माफ और जिनको दुनिया में जन्नत की बशारत है, वैसे शख्स का हाल ये था कि दिन में 100 से ज्यादा मरतबा इस्तग़फ़ार करते थे। तो हमें सोचिए कितनी मरतबा करना है। इसीलिए अपनी जबान को हमेशा अल्लाह से, अल्लाह के जिक्र से तर रखना है। तो दूसरा इनाम हमारे मालों के जरिए, हमारे माल में बरकत के जरिए मदद फरमाएगा, और तीसरा इनाम हमें बेटे अता करेगा। यजअल लकुम जन्नातिन व यजअल लकुम अन्हारा। फिर ये चौथा इनाम है देखिए, और वो तुम बनाए और तुम्हारे लिए खूब बागात अता करेगा और तुम्हारे लिए नहरें निकाल देगा। यानी जिन बागात में नहरें होंगी वही हरा भरा बाग रहेगा ना बाग, तो वैसे अल्लाह ताला तुम्हारे बागों के जरिए से, बागों में नहरें के जरिए से तुम्हारे फल अता करेगा, तुम्हारे लिए नहरें जारी करेगा। तो देख रहे ना ये कितनी अहमियत की बातें हैं। ये चार चीजें अगर हम इस्तग़फ़ार को लाजिम पकड़ लेंगे, अल्लाह से बार बार अपने गुनाहों की माफी मांगेंगे, तो अल्लाह हमें ये तमाम इनामात से नवाजेगा। ये अल्लाह का वादा है। क्योंकि आप लोग जैसा कि जानते हैं, मुस्लिम की एक मशहूर हदीस भी है कि एक शख्स ने 99 कत्ल किए थे। जानते होंगे एक शख्स ने 99 कत्ल किए थे, उसके बाद उसे, हालांकि कत्ल क्या है इस्लाम में, कत्ल एक शख्स का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है ना दर हकीकत, मगर इतने बड़े गुनाह को भी अल्लाह ने माफ कर दिया, जो कि 99 कत्ल कर एक आदमी के दिल में आया ये मेरी जिंदगी क्या है, ये मैं किस तरफ जा रहा हूं बोलकर उसको उस वक्त ख्याल आया, तो उसने एक अपने गांव के एक राहिब की तरफ गया। आलिम का जिक्र नहीं है हदीस में, उसको एक राहिब यानी जो ये मुल्ला मुर्शद बैठे हुए रहते हैं ना, जिनके पास दीनी इल्म नहीं होता, बस दिखावा करते हैं अपना बिजनेस चलाने के लिए, वैसे एक राहिब सूफी के पास गया वो। तो उसने कहा अरे एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है, तुम तो 99 करे, जिसको कुरान और हदीस का सही इल्म नहीं था। उसने कहा तुम्हें तुम्हारे लिए कोई माफी नहीं है बोल दिए। तो वो तो था गुस्से वाला इंसान, उसको ऐसा गुस्सा आया कि उसने उनको कत्ल भी कर दिया, उस राहिब को भी कत्ल करके अपनी गिनती मुकम्मल कर ली 100। फिर उसे जब लोगों को मालूम हुआ कि इसके दिल में ईमान जागा है, अब ये बदलना चाहता है, तो उसकी रहनुमाई की गई फिर दूसरे एक आलिम की तरफ जो दीनी इल्म रखता था उस वक्त का। तो उस इंसान को उसकी तरफ भेजा गया, तो वो जब उनके पास गया जाकर अपनी तमाम कहानी सुनाई, तो उन्होंने कहा, उस आलिम ने कहा कि किस चीज के, क्या चीज तुम्हारे और अल्लाह के दरमियान माफी के आ रही है, तुम बराबर अल्लाह से अपनी माफी मांगो, अल्लाह तुम्हें माफ करेगा, इन तमाम 100 कत्ल के बावजूद कोई चीज तुम्हारे दरमियान नहीं आएगी, तुम्हारी तौबा और तुम्हारे अल्लाह के दरमियान कोई चीज हायल नहीं होगी। जैसा ही इसने ये सुना फौरन अल्लाह से तौबा की, तो उन आलिम साहब ने कहा तुम अपनी पुरानी जिंदगी में मत रहो, क्योंकि
पुरानी सोहबत में अगर जाओगे तो तुम्हारे फिर से वो तुम्हारे दिमाग खराब ना हो जाए, इसलिए तुम वो जमीन छोड़ दो जिस जमीन में तुम रहते थे, तुम फलानी दूसरी जगह चले जाओ जहां तुम्हें नेक लोगों की सोहबत मिलेगी। इससे एक नुक्ता क्या निकलता है कि हमें बुरे लोगों की सोहबत छोड़कर हमें अच्छे लोगों की सोहबत अपनाना चाहिए, जिसका असर हमारे अंदर भी होता है, हमारे बच्चों के अंदर भी होता है कि उनके दोस्त वगैरह कैसे हैं, हमें उसका भी ख्याल रखना है, क्योंकि सोहबत का बहुत असर पड़ता है इंसानी जिंदगी पर। तो उनके हिसाब से फिर वो शख्स क्या करे, वो जमीन छोड़कर निकल खड़े हुए, दूसरी जहां जाना था नेक लोगों की सोहबत में। जैसे ही आधा रास्ता मुकम्मल हुआ वहीं पर इंतकाल कर गए, तो वहां पर इधर जन्नत के फरिश्ते भी आ गए, इधर दोजख के फरिश्ते भी आ गए। क्या अब उन दोनों में बहस शुरू हो गई कि ये 100 आदमियों का खातिल है, इसे हम जहन्नम में लेके जाएंगे इसकी रूह को। और इधर फरिश्तों ने कहा कि 100 के है मगर इसने तौबा की, तो ये तौबा की वजह से इसको हम जन्नत में लेके जाएंगे। तो फिर वहां पर फैसला होता कि जमीन नापो, ये शख्स कहाँ से निकला है, वहां से कहाँ पहुंचा है, वहां तक। अगर ये जमीन जहां इसका इरादा था उधर जाने के करीब थी तो जन्नत के फरिश्ते ले जाएंगे, क्योंकि इसका बदल चुका था, इसने तौबा कर ली थी और वो उस तरफ करीब था जहां इसे जाना था, या ये उस तरफ करीब है जहां से ये निकला है तो जहन्नम के फरिश्ते ले जाए। तो जब फरिश्ते जमीन नापते हैं तो हदीस में आता है कि अल्लाह ने जमीन को हुक्म दिया उस तरफ एक बालिश बढ़ जाने का, जिस तरफ इसने तौबा करके आगे नेक लोगों की सोहबत अख्तियार करने का इरादा किया था। तो फिर वो उस तरफ एक बालिश जमीन बढ़ जाती है, यानी ये शख्स बिल्कुल मिडिल में इंतकाल हुआ था मगर अल्लाह के हुक्म से अल्लाह ने उसकी इस अदा को, उसकी इस तौबा को, इसके पलटने को पसंद किया और अल्लाह ने उसको उस जमीन के करीब कर दिया जहां का इसने इरादा किया था। तो देखे बहनों, फिर उसको जन्नत के फरिश्ते लेकर चले जाते। हम छोटे मोटे गलतियां करके ही अपने आप को नुकसान में डाल लेते हैं और हमारे लिए कोई बदलने का रास्ता नहीं है, न तो चलो बुढ़ापे में बदलेंगे, अभी हमारी बहुत सी उम्र है, वगैरह वगैरह शैतानी वसवसों से। मगर अल्लाह ताला बोल रही, तुम जितना अपने गुनाहों पर शर्मिंदा होगे, तुम जितना अल्लाह से माफी मांगोगे अल्लाह तुम्हारे लिए वैसा ही हुक्म फरमा देगा, तुम्हें क़यामत के दिन के अजाब से बचा लेगा। मगर पहला कदम हमें उठाने की तरगीब है, अगर हम अपना पहला कदम नहीं उठाएंगे तो हमें फिर अल्लाह की मदद नहीं हासिल होगी। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि हम जिस तरह इस आज ये इस्तग़फ़ार की अहमियत को थोड़ा मुख्तसर ही जान सके हैं, मगर अल्लाह से दुआ करते हैं, जो कि अल्लाह बहुत ही गफूर रहीम है, तौबा को कबूल करने वाला है, हमारी तमाम अब तक की गलतियों को, खताओं को जानबूझकर ही सही या अनजाने में सही हुई सो खताओं को माफ कर दे और हमें अपनी रहमत में शामिल कर ले और हमारे इल्म में इजाफा करे और हमें खूब से खूब तौबा इस्तग़फ़ार करने वाला बनाए। आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकल्लाहु खैर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मैम,